बटाला में पंजाब सरकार की ओर से हर घर रोजगार देने की स्कीम तब फेल होती दिखाई दी जब बेरोजगारी से परेशान 35 वर्षीय जसवंत सिंह ने अपने छोटे छोटे दो मासूम बच्चों को लेकर ट्रेन के आगे छलांग लगा दी और खुदकुशी कर ली। घटना में बाप और उसके 3 वर्षीय बेटे फतेह सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि 7 वर्षीय बेटी जशनप्रीत कौर गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद रेलवे पुलिस मृतक की माता द्वारा दिए गए बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। कोई चांस का पता नहीं लगा, मैं तो बटाले नूं आउंदा सी ते मेरी नूंह ने मैनूं फोन किया भी पापा जी आ गल हो गई है भी रेल हादसा हो गया वा ते ओह जिहड़े परौणा इन्हां दे घर आया सी सरपंच दे घर मिंटू दे बलकार सिंह वह गड्डी थले आ गया ते मैं बटाले नहीं गया, मैं वापस इत्थों कादियां वाले फाटक ते वापस चला गया ते मैं जाके वेख्या वा ते वो सारा खिलरिया पिया सीगा भी हाथी सब कुछ उहदा ना चुक चक के गड्डी ट्राली के लद के उन्होंने फिर इतने पहुँचाया वा असं सारा ही उन्होंने इकट्ठा किया भी आज मैं जाके अपनी अखी वेख्या वा कि जो ये हो पर सानू रेल स्टेशन मास्टर ने मैं इतलाह दी कि सुगर मिल के कोल गुड्स ट्रेन के नाल सुसैड बच्चों समेत की है जिस दे इतलाह पर मौका पर पहुँचे मौका पर पहुँच के उसके उसके वारस अते मोहतबर व्यक्ति पिंड उत्थे सारे मौजूद सन जिन्होंने दस्या भी यह एक हफ्ते तो जिहड़ा पिंड जिहड़ा लागे उत्थे आया हुआ सी अपनी भैन को ते परेशान रहिंदा सी इहदी लत दा ऑपरेशन होया सी ते ये ऑपरेशन जिहड़ा कराउण दे बावजूद इहदी लत जिहड़ी ठीक नहीं सी ते वेहला सी काम कर नहीं सी करदा ते इहदा खुदकशी दा कारण दा कोई होर कोई सानूं पता नहीं लगा। इह करदा इहदी माता साडे कोल आई आ कहिंदी किसे नाल साडा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं सी ना कोई वैर विरोध सी असीं किसे दे कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहुंदे। जागृति लहर के लिए बटाला से विक्की मलिक की रिपोर्ट।